गुड मॉर्निंग बच्चों, आपके अच्छे दिन की शुभकामनाओं के साथ आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। जब हम बात करते हैं मैकेनिकल फिजिक्स की और उसमें भी जब हम फ्रिक्शन फोर्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि यह एक नेसेसरी एविल है, यानी कि एक आवश्यक दुश्मन है जो हमारा प्रतिरोध करता है, यानी कि हमें रोकता तो है लेकिन हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता तो हम गति की कल्पना करना मुश्किल था, क्योंकि कोई भी वस्तु होती यदि उसमें एक बार गति हो जाती और फ्रिक्शन फोर्स ना होता तो या तो वो स्लिप हो जाती या वो कभी रुकती ही नहीं। ठीक इसी प्रकार से जब हम इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स की बात करते हैं या इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करते हैं तो उनमें प्रतिरोध का रोल हो जाता है। बिना प्रतिरोध के किसी भी सर्किट की कल्पना करना मुश्किल है। किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस धारा के मान को अंकुश लगाता है। मान लीजिए एक पंखा है, यदि उसमें आप रेगुलेटर ना लगाएं तो वो फुल स्पीड में चलेगा, लेकिन आप चाहते हैं कि वो कम स्पीड में चले तो कौन धारा के मान को रोकेगा? तो धारा के मान को रेजिस्टेंस के द्वारा रोका जाता है। इसके अतिरिक्त जितनी भी हीटिंग डिवाइसेस होती हैं उन हीटिंग डिवाइसेस में प्रतिरोधों का प्रयोग किया जाता है। आप अपने व्यवहारिक जीवन में देखते होंगे इमर्शन रॉड है या गीजर है या बहुत सारे ऐसे एलिमेंट होते हैं, प्रेस होती है, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनमें हमें हीटिंग की जरूरत होती है। तो जो ये रेजिस्टेंस होता है इसका मान किस तरीके से ज्ञात किया जाता है, यानी कि यदि हमें एक रजिस्टर दे दिया जाए तो हम किस तरीके से उसकी पहचान करेंगे कि यह रजिस्टर कितने ओम का है या कितने मेगा ओम का है या कितने किलो ओम का है? तो उसको ज्ञात करने के लिए एक विधि का प्रयोग किया जाता है। जो सबसे ज्यादा प्रचलित रजिस्टर हैं या प्रतिरोधक हैं वह कार्बन डस्ट से बनाए जाते हैं, यानी कि कार्बन की धूल और मिट्टी और वायर को प्रयोग करके हम बनाते हैं। तो ये जो कार्बन रजिस्टर है इसमें आपको अलग अलग कलर बैंड दिख रहे होंगे, जैसे पहला जो कलर है वह रेड कलर है, दूसरा ब्लू कलर है, और जो तीसरा कलर है वह ब्राउन कलर है, और जो चौथा और लास्ट कलर है वह गोल्ड कलर है। तो इस तरीके से जो ये कलर बैंड होते हैं इन कलर बैंड के आधार पर हम इस रजिस्टर का मान बता सकते हैं। तो आइए वाइट बोर्ड पर चलते हैं और किस तरीके से कार्बन रजिस्टर का रेजिस्टेंस फाइंड किया जाता है उसे सीखने का प्रयास करते हैं। किसी भी कार्बन रजिस्टर में प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए उसमें अलग अलग कलर की पट्टियां होती हैं। ये जो कलर बैंड होते हैं इन कलर बैंड की पहचान करके और एक फॉर्मूले का प्रयोग करके हम उस कार्बन रजिस्टर का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तो ये मेथड क्या है, किस तरीके से हम इन रंगों की सहायता से किसी कार्बन रजिस्टर का प्रतिरोध ज्ञात करेंगे उसे समझने की कोशिश करते हैं। ये जो कलर हैं ये पूरे 10 कलर हो सकते हैं। इसके लिए ब्रिटिश मेथड यूज किया गया जिसमें आप एक ट्रिक के साथ इन कलर्स को याद कीजिए। देखिए यहाँ पर बोर्ड पे मैंने सारे कलर्स लिखे हैं, उन कलर से रिलेटेड वैल्यूज लिखी गई हैं, यानी कि उनके मान कितने होंगे, उनका जो अंक का निर्धारण होगा वह कितना होगा, उसके बाद उनका जो गुणक होगा यानी मल्टीप्लायर होगा वो कितना होगा, और उसके बाद जो टॉलरेंस है यानी सहन शक्ति का अर्थ होता है कि यदि किसी परिपथ में हम किसी रजिस्टर को यूज कर रहे हैं तो वह कितना अप और कितना डाउन प्रयोग किया जा सकता है। आप व्यवहारिक जीवन में भी देखते होंगे जब हम किसी मशीन को प्रयोग करते हैं तो उस मशीन की अपनी जो स्ट्रेंथ होती है उससे वो थोड़ा ज्यादा काम भी कर सकती है और कम काम भी कर सकती है। ठीक इसी प्रकार से यदि कोई प्रतिरोधक है तो वह प्रतिरोधक अपनी जो लिमिट है उससे थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे भी काम कर सकता है, उसे हम टॉलरेंस या सहन शक्ति कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इस टेबल का अध्ययन करते हैं और उसके बाद हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से हम इन कलर्स की सहायता से किसी कार्बन रजिस्टर का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए इस ट्रिक को सीखते हैं। यहां देखिए जो मैंने कलर लिखे हुए हैं इनको आपने एक शॉर्ट ट्रिक के साथ याद करना है। वो शॉर्ट ट्रिक है बी बी रॉय
ग्रेट ब्रिटिश हैज अ वेरी गुड वाइफ, ये एक शॉर्ट ट्रिक बनाई गई है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटिश हैज अ वेरी गुड वाइफ, देखिए बीबी बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटिश वेरी गुड वाइफ। तो हमारे पास जो कलर है, बी के लिए ब्लैक, बी के लिए ब्राउन, आर के लिए रेड, ओ के लिए ऑरेंज, वाई के लिए येलो, और जी के लिए ग्रीन, और बी के लिए ब्लू, वी वॉयलेट, जी ग्रे, और डब्ल्यू के लिए व्हाइट। यानी कि ये जो 10 कलर हैं वो हम इस शॉर्ट ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं। अब जब हम किसी रजिस्टर की बात करते हैं तो जनरली उस रजिस्टर में 3 या 4 कलर होते हैं, मैक्सिमम 4 कलर होते हैं। तो उन 4 कलर को आपको 3 भागों में बांटना है। पहले जो 2 भाग होंगे उन्हें हम अंक कहेंगे, यानी फिगर कहते हैं। तो फिगर इस तरीके से यहां पे डिसाइड की गई है, जो ब्लैक होता है उसके लिए 0 दिया गया है, और उसके पश्चात जो भी नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 दिया गया है। तो आप इस टेबल को याद करें, ब्राउन के लिए 1, रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3, और इसी तरीके से बाकी कलर्स के लिए अंक दिए गए हैं, इन्हें हम फिगर कहते हैं। उसके पश्चात जो दूसरा स्टेप आता है उसमें हम एक मल्टीप्लायर लेते हैं, यानी कि गुणक लेते हैं। पहले 2 कलर जो होंगे उनके अंक, मान लीजिए किसी रजिस्टर में ये 2 कलर है, पहला कलर रेड है और दूसरा कलर ग्रीन है, तो इनके आपको अंक लेने हैं। तो रेड का जो अंक है वह देखिए क्या है, 2 है, तो आप पहला अंक 2 लेंगे। फिर ग्रीन है तो ग्रीन का कलर देखिए वह 5 है, तो आप पहले 2 अंक लेने वाले हैं, यानी कि 2-5, आप सिंपली इसको 2-5 लिख देंगे। तो इसे हम अंक कहते हैं या फिगर्स कहते हैं। कार्बन रजिस्टर में जो तीसरा कलर हम प्रयोग करने वाले हैं वह कलर हमेशा एक मल्टीप्लायर के रूप में लिया जाता है। तो मल्टीप्लायर का अर्थ क्या हुआ, यहां पर आपको 10 की घात के रूप में उसी नंबर को प्रयोग करना है। यानी जैसे ब्लैक का 0 था, ब्राउन का 1 था, रेड का 2 था, तो इनको 10 की घात में प्रयोग करना है, यानी 10^0, 10^1, 10^2, इस तरीके से आपको प्रयोग करना है। तो इसे हम मल्टीप्लायर कहते हैं। तो देखिए मल्टीप्लायर की भी यहां पर एक पूरी सारणी यहां पर बनाई गई है, 10^0, 10^1, 10^2। ये याद करना बहुत आसान है, जैसे आपने 1, 2, 3, 4, 5 याद कर लिया, उसके बाद आपको केवल 10^ में वही नंबर रख देने हैं। यानी कि अगर 0 है तो 10^0, यदि 1 है तो 10^1, तो इस तरीके से आप इसको याद कर लेंगे। अब जो तीसरा स्टेप आता है, किसी भी कार्बन रजिस्टर में 3 स्टेप मैंने कहे थे, जो तीसरा स्टेप आता है उसमें आता है उस कार्बन रजिस्टर की टॉलरेंस को याद करना, सहन शक्ति, यानी कि वो कितना उच्च मान में प्रयोग किया जा सकता है और कितने निम्न मान में प्रयोग किया जा सकता है। तो इसके लिए भी हम लोग 3 कलर लेते हैं। 3 कलर में एक कलर को हम बॉडी कलर कह सकते हैं, यानी नो कलर, वो कलर ही नहीं होता है। जिस मटेरियल का कार्बन रजिस्टर बना है वही कलर उसमें होगा, इसीलिए उसे या तो बॉडी कलर कहा जाता है या नो कलर कहा जाता है। लेकिन 2 कलर हम प्रयोग करते हैं, एक गोल्ड कलर प्रयोग किया जाता है और दूसरा सिल्वर कलर प्रयोग किया जाता है। जो गोल्ड कलर होता है उसकी जो टॉलरेंस होती है, यानी सहन शक्ति होती है, वह 5% की होती है, यानी 5% अप काम करेगा और 5% डाउन काम करेगा। ऐसे ही जो सिल्वर कलर होता है उसकी जो टॉलरेंस होती है वह 10% होती है, यानी कि 10% ऊपर काम करेगा और 10% नीचे काम करेगा। ये सभी चीजें मैं अभी आपको एग्जांपल के द्वारा समझाने वाला हूं। और जो नो कलर या बॉडी कलर होता है उसकी टॉलरेंस सबसे ज्यादा होती है, 20% की टॉलरेंस होती है। तो कुल मिला के किसी भी कार्बन रजिस्टर में वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इन कलर्स का यदि ज्ञान है तो हम आसानी के साथ उसका प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं, और साथ ही यह भी डिसाइड कर सकते हैं कि किसी परिपथ में उसकी जो रेंज होगी, उसका जो परिसर होगा, यानी कि कितनी वैल्यू के लिए हम उसको प्रयोग कर सकते हैं, वो भी हम टॉलरेंस के थ्रू ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसके थ्रू हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम किस तरीके से किसी भी कार्बन रजिस्टर का रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। जो कार्बन रजिस्टर मैंने यहां फिगर में बनाया है उसमें पहला जो कलर है वह रेड कलर है, दूसरा कलर ग्रीन है,
और जो तीसरा कलर है वह ब्लू है, और जो चौथा कलर है वह सिल्वर है। पहले के जो दो अंक है मैंने कहा इन्हें हम एज ए फिगर लेने वाले हैं, तो जो रेड कलर है उसका अंक 2 होता है, जो ग्रीन कलर है उसका अंक 5 होता है, और जो ब्लू कलर है इसे हमने एज ए मल्टीप्लायर लेना है, यानी कि 10 की घात के रूप में लेना है। तो जो ब्लू कलर है उसकी 10 की घात 10^6 है। यहां देखिए ये ब्लू कलर है और इसके सामने 10^6, यानी कि ये वाला नंबर इसके लिए प्रयोग होने वाला है। और जो सिल्वर कलर है इसके लिए 10% का टॉलरेंस है। तो बहुत आसानी के साथ आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। अब जब हमें ये सारी चीजें पता लग चुकी हैं कि कौन कौन से कलर हैं, उनमें अंक क्या है, मल्टीप्लायर क्या है, और जो टॉलरेंस का परसेंटेज है वह क्या है, तो इसको इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। देखिए पहले जो दो अंक हैं आपको उन्हें इस तरीके से लिखना है, 25 यानी 25। तीसरा जो कलर है उसे एज ए मल्टीप्लायर लेना है आपको, तो 10^6, और यहां पर प्लस माइनस 10% आपको लिख देना है, यानी कि जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू के 10% ये अप काम करेगा और 10% डाउन काम करेगा। 10% का अर्थ क्या होता है, मान लीजिए यहां पर किसी कार्बन रजिस्टर की जो वैल्यू आई वह 100 ओम आ गई, उसके बाद उसका 10% यानी कि प्लस माइनस 10% आपको निकालना है। तो 100 का 10% 10 होता है, इसका अर्थ ये हुआ कि या तो ये 110 ओम में प्रयोग किया जा सकता है, और 10% कम का मतलब हुआ कि यह 90 ओम में प्रयोग किया जा सकता है। तो ये जो रजिस्टर्ड होगा उसे हम 90 to 100 ओम में प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि किसी परिपथ में यदि हमें 90 ओम प्रतिरोध की आवश्यकता है तब भी इसी रजिस्टर को प्रयोग किया जा सकता है, और यदि हमें 110 ओम के प्रतिरोध की आवश्यकता है तब भी इसी रजिस्टर को प्रयोग किया जा सकता है, जबकि जो उसका स्टैंडर्ड मान है वह 100 ओम है। तो टॉलरेंस का अर्थ यही होता है कि कितना अप और कितना डाउन हम उसे प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो 10^6 का अर्थ होता है मेगा ओम, तो ये आपके पास वैल्यू हो गई, यानी कि 25 मेगा ओम, और उसका 10% अप और 10% डाउन हम इसे प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी कार्बन रजिस्टर्ड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एक और एग्जांपल मैं यहां पे लेने जा रहा हूं ताकि आप अच्छे तरीके से इसको समझ सकें। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं और बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, और यह क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो देखिए एक और मैंने कार्बन रजिस्टर लिया है जिसमें 4 कलर्स हमारे पास दिए गए हैं, जिसमें पहला कलर येलो है, दूसरा वॉयलेट है, और तीसरा कलर ब्राउन कलर है, और जो चौथा कलर दिया गया है वह गोल्ड दिया गया है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि येलो के लिए कौन सा अंक होगा, क्योंकि पहले जो दो नंबर हमें लेने हैं वो अंक के रूप में लेने हैं। दूसरा कलर वॉयलेट है उसके लिए अंक देख लेते हैं, और तीसरा कलर ब्राउन है उसके लिए मल्टीप्लायर देख लेते हैं, और चौथा कलर गोल्ड है उसके लिए टॉलरेंस देख लेते हैं। तो जो येलो कलर है, येलो कलर के लिए जो नंबर होता है वह 4 होता है, यहां पर देखिए इसके सामने है, तो इसके लिए 4 है, यानी कि ये अंक आएगा 4। उसके बाद वॉयलेट कलर है, वॉयलेट के सामने 7 है, तो वॉयलेट कलर के लिए अंक आएगा 7। और जो ब्राउन कलर है उसके लिए मल्टीप्लायर आएगा 10^1, यहां देखिए ब्राउन कलर है और मल्टीप्लायर है 10^1। तो ये 3 चीजें हमने डिसाइड कर ली है, और जो टॉलरेंस है गोल्ड के लिए वह 5% है। तो जो मेथड मैंने आपको बताया था उससे इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए इजिली हम सॉल्व कर सकते हैं। पहले दो नंबर हमें एज ए अंक लेने हैं, यानी कि फिगर के रूप में लेने, तो 4, 7 आ गया। जो तीसरा कलर है उसे मल्टीप्लायर लेना, यानी 10^1 हो गया, और जो चौथा कलर है उसे हम टॉलरेंस के रूप में लेते हैं, तो यहां पर हम लिखते हैं प्लस माइनस 5%। तो ये 470 ओम और प्लस माइनस 5% हो जाएगा। तो आप
470 का 5% निकालिए और उसका जो भी अप और डाउन है उसको आप डिसाइड कर सकते हैं। तो देखिए यदि हम 470 का 5% निकालते हैं तो इस तरीके से निकलेगा 470 इंटू 5 अपॉन 100, 10 से 10 कट गया, 5 से 10 टू टाइम और 2 से 47 23.5। इसका अर्थ ये हुआ कि 470 प्लस 23.5 और 470 माइनस 23 माइनस 5 इतने ओम और इतने ओम पर यह कार्य करेगा। ये मान आप खुद ज्ञात करेंगे तो कैलकुलेशन आपको अच्छे तरीके से करनी है। और इस तरीके से देखिए आपको पता लग चुका है कि यदि इस कलर बैंड के साथ कोई कार्बन रजिस्टर आपको दिया जाता है तो किस तरीके से आप उसका मान ज्ञात कर सकते हैं।